हेलो गाइस हाउ यू आई होप योर डूइंग एक्सीलेंट दिस इज आशी मिश्रा के मे विद माई चैनल योर्स मेडिकल लाइब्रेरी सो गाइस ये वीडियो ट्यूमर प्रोसेस का कंटिन्यूट पार्ट है ओके okay? ये yes, इसको हम सेकंड पार्ट में इंक्लूड किए हैं इसमें हम कुछ टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं जो हम फर्स्ट क्लास में इंक्लूड नहीं किए थे ओके okay? गाइज uh, ये वीडियो मैं पार्ट वन के साथ ही अपलोड करूँगा ताकि आपको ईजी रहे दोनों एक साथ समझने के लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर होता जाए ओके सो लेट्स यू गिन गाइज हम इस वीडियो में आप देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्यूमर ओके ट्यूमर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें टोटली totally, uh, कुछ तीन चार प्रॉपर्टी होती हैं पहला मेन प्रॉपर्टी होता है ऑटोनोमस ग्रोथ दूसरा होता है इम्पेयर्ड माइटोसिस और एपोप्टोसिस तीसरा होता है एटीपिज्म और uh, उसके बाद होता है जो प्रोग्रेशन और मेटास्टास होता है उसके बारे में बताया गया है ओके okay? तो ये कुछ ट्यूमर की प्रॉपर्टी होती है हम एक एक के बारे में मैं आपको जस्ट अभी बता देता हूँ ऑटोनोमस ग्रोथ एक तरीके का ये एक ऐसा ग्रोथ है जिसमें जो सेल का नॉर्मल uh, प्रोसेस होता है जैसे कि अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें वो माइटोटिक डिवीज़न करता है उसके बाद सेल डिफ्रेंशिएट करता है प्रोलीफेट करता है वो डिस्टर्ब हो जाता है ओके okay? दूसरा आता है कि जो जैसे मैंने बताया था माइटोसिस और एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है कि ये नेचुरल सेल डेथ होता है मतलब कि एक टाइम में सेल अपने आप डेड uh, हो जाता है ताकि जो सेल uh, का ग्रोथ है और उसका जो सेल uh, का नंबर uh, डेथ uh, है ताकि मेंटेन रहे ताकि ऐसा ना हो कि इससे ग्रोथ होता ही रहे होता रहे और सेल डेड uh, ना हो तो ये नेचुरल प्रोसेस है ताकि सेल डिवाइड भी रहे ग्रोथ भी होता रहे और सेल डिस्ट्रॉय भी होता रहे अपने आप और फिर से बनता रहे ओके okay? उसकी बात है ए टी का अब आप ध्यान से देखें तो ए मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ टाइपिज्म मतलब जो नॉर्मल सेल का फंक्शन है वो एब्सेंस हो जाता है ओके okay? और इसमें जो प्रोग्रेशन और मेटास्टासिस की जो एबिलिटी है वो जनरेट हो जाती है ओके okay? मेटास्टासिस मतलब कि फैलना और वापस रीअर मतलब फिर से रीजनरेट हो जाता है ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे सो लेट्स बिगिन गाइस अब आता है ऑटोनोमस ग्रोथ मैंने बताया था कि जो सेल का प्रोलिफेशन और डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है ट्यूमर सेल में ओके okay? तो इस कंडीशन में हमें समझने वाली बात है इसमें दो तरीके के स्टिमुलेशन होते हैं ऑटोक्राइन स्टिमुलेशन और पैराक्राइन ऑटोक्राइन में क्या होता है कि समझ लीजिए ये ट्यूमरस सेल ओके यही एक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करेगा वही ग्रोथ फैक्टर इसी रिसेप्टर पर है इसी पर एक्ट कर जाते हैं और ये सेल प्रोलिफिट करता है मतलब ये अपने आप पर अनलिमिटेडली डिवाइड होने लगता है वहीं अगर पैराक्राइन स्टिमुलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये सेल है ये ट्यूमरस सेल है ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगा और इसके रिसेप्टर जो नियर बाई सेल्स होते हैं जो ट्यूमरस सेल्स होते हैं उस पर होगा वो प्रोलिफिट करेगा मतलब कि अनलिमिटेड ग्रोथ करेगा ओके okay? तो ये आप देख सकते हैं इसको डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं आ, अगर हम पैराक्राइन के कुछ एग्जाम्पल की बात करें जैसे देख सकते हैं आपकी जो लंग कैंसर होता है लंग कैंसर में स्ट्रोमा है उसका फाइब्रो ब्लास्ट सिंथेसाइज करता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आप देख सकते हैं अगर ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होगा ये इंटरेक्ट करेगा जो आसपास के जो ट्यूमर सेल्स हैं उस पर इंटरेक्ट करेगा और और इसको स्टिमुलेट करेगा और इससे प्रोलिफोशन बहुत तेजी से होगा ओके ट्यूमर सेल का उसके बाद आप देख सकते हैं कि ए टी ए टीपिसम का मतलब क्या होता है जैसे मैंने बताया था ए मतलब एब्सेंट टिपिजम मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म जो सेल का नॉर्मल फॉर्म होता है वो एब्सेंस हो जाता है इसमें आप देख सकते हैं इसमें ये एक तरीके का जो एनाप्लासिया और कटाप्लासिया का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है एनाप्लासिया कैटाप्लासिया का सिंपल सा मतलब क्या होता है जो सेल होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहुंच जाती है रिटर्न टू एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ग्रोथ ओके इसमें वही कैटाप्लासिया में भी सम वॉट वही है टॉप डाउन मूवमेंट होता है ओके और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है एटिपिज्म में इसको हम चार पार्ट में डिवाइड किए हैं मोफोलॉजिकली बायोकेमिकल एंटीजेनिक और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए सेल का फॉर्म ओके okay? अब आते हैं कि जो टाइप्स होते हैं जैसे कि एटिपिज्म में पहला टाइप है मोफोलॉजिकल मोफोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चरल तो इसमें टिश्यू और सेलुलर जो सेल्स होते हैं उनके क्या क्या चेंजेस आते हैं टिश्यू में देखा जाए जो पैदन पैदन कायमा और स्ट्रोमा होता है उनके रेशियो में चेंजेस आ जाना ओके okay? जिसमें से पैदन कायमा का क्वान्टिटी होती है वो ज़्यादा होती है वहीं सेलुलर में देखा जाए तो सेल में देखा जाए तो उसमें शेप और जो साइज़ होती है सेल की पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं उसको पॉली मतलब बहुत सारे मॉर्फिज्म मतलब उसके स्ट्रक्चरल पार्ट साइज़ या शेप वो और इसमें जो सेल का नंबर होता है और अलॉन्ग विथ न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो मतलब जो सेल है उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का जो रेशियो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो बताया गया है ओके Uh, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ये uh, टिश्यू और सेलुलर बोथ इनहेरेंट होते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर में बट 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 ओनली टिश्यू इज इनहेरिट इनहेरिटेंट इन बेनाइन ट्यूमर ओके okay? क्यों क्योंकि uh, जो uh, बेनाइन ट्यूमर में जो टिश्यू इसलिए इनहेरिट होता है बिकॉज दे आर बिल्ड फ्रॉम मैच्योर डिफेंशिएटेड सेल ओके अब आता है बायोकेमिकल एटपिज़म बायोकेमिकल का मतलब होता है इसमें जो ट्यूमर सेल है उसमें मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे मेटाबॉलिक चेंजेस क्या क्या आएंगे क्योंकि सेल ट्यूमर में क्या होता है सेल बहुत बार डिवाइड करता है मल्टीपल डिवीजन होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन क्वांटिटी चाहिए तो सेल अपने आप को आपको करता है ताकि जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उसको कंपेंसेट कर सके ओके तो इसलिए उसमें एक तरीके का मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं ओके इसको हम हिस्टोकेमिकल एटपिज़म भी बोल सकते हैं ओके उसके बाद आता है एंटीजेनिक एटिपिजम एंटीजेनिक मतलब होता है कि जो ट्यूमर होता है उसमें बहुत सारे जो ट्यूमर स्पेसिफिक या उनको फीटल एंटीजनस होते हैं वो जनरेट uh, होते हैं वो अपियद होते हैं और जो नॉर्मल सेल में जो हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी एंटीजन होते हैं या ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन है वो डिस्ट्रॉय होते हैं ओके okay? तो क्या क्या बनता है इसमें ट्यूमर स्पेसिफिक और उनको फीटल एंटीजन अपीय होते हैं और लॉस क्या होता है हिस्टो कॉम्पेटिबल एंटीजन और ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन लॉस होता है ओके विन नंबर अब आते हैं कुछ फंक्शनल एटीपिज्म uh, के बारे में फंक्शनल मतलब क्या होता है फंक्शन उसके जो नॉर्मल सेल्स हैं उसके फंक्शन लॉस हो जाना तो ये लॉस हो जाते हैं नॉर्मल फंक्शन जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी नए नए प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती हैं ट्यूमर सेल्स में ओके okay? इसमें uh, एक नया टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कि ट्यूमर ग्रोथ पैटर्न ओके ट्यूमर ग्रोथ पैटर्न को आपको मुझे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो ट्यूमर अराइज होते हैं वो दो तरीके से अराइज होते हैं मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल मोनोक्लोनल मतलब होता है एक क्लोन से ट्यूमर अराइज होता है और डिफ्रेंशिएट करता है पॉलीक्लोनल में मतलब होता है कि एक सिंगल एंसेस्ट्रल इन्वॉल्व नहीं होते हैं इसमें ओके okay? इसमें सिंगल एंसेस्ट्रल इन्वॉल्व होते हैं इसमें बहुत सारे जो एंसेस्ट्रल सेल्स होते हैं उससे ट्यूमर दीर धीरे धीरे आके कंबाइन होकर बहुत सारे फॉर्म बना लेते हैं मतलब कि ये जो ट्यूमर है पॉलीक्लोनल में इसमें जो फॉर्म हुआ है वो एक सेल से नहीं बनाया है बहुत सारे सेल से बने हैं जबकि इसमें सिर्फ एक सेल से वो ट्यूमर बना हुआ है ओके okay? बट जो मोनोक्लोनल होते हैं वो ज़्यादातर ये बहुत कॉमन होते हैं ओके ज़्यादातर ट्यूमर मोनोक्लोनल ही होते हैं मोनोक्लोनल ओदिचिन होते हैं वही पोनी पॉलीक्लोनल ट्यूमर होते हैं वो लेस कॉमन होते हैं ओके अब इससे समझ सकते हैं ये एक तरीके का ग्रोथ पैटर्न है ट्यूमर का ओके okay? इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर हम सराउंडिंग टिश्यू को कंपेयर करें ग्रोथ पैटर्न से ओके okay, तो एक्सपेंसिव और इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ होता है जैसे मैंने बताया था एक्सपेंसिव ग्रोथ मेनली हमें बेनाइन में मिलेगा और बेनाइन ट्यूमर में और इन्वेसिव मतलब कि मेलिग्नियन में मिलेगा एक्सपेंसिव बेनाइन में, में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका था कि जो सेल होते हैं जो ट्यूमर सेल होते हैं वो आसपास की जो एडजेसेंट टिश्यू होती हैं उससे वो कैप्सूल बनाते हैं वो एक तरीके का उनका जो सराउंडिंग टिश्यू होता है नॉर्मल सेल यूज करते हैं ट्यूमर सेल ताकि उससे वो एक सूडो कैप्सूल बना लगे बना सकें और उससे वो एक तरीके बस उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं ट्यूमर सेल सराउंडिंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। पर उनका यूज़ करते हैं उससे वो एक तरीके से सूडो कैप्सूल बनाते हैं और उससे ये मेनली ड्यू टू तो एट्रोफ़ी और स्कलोरोसिस हो सकता है उस सराउंडिंग टिश्यू का उससे वो बेनैन ट्यूमर बन सकता है इनफिल्ट्रेटिव और इन्वेजिव में क्या होता है आप समझ सकते हैं अंदर जाना इन्वेज होना मतलब अंदर एंटर होना तो उसमें क्या होता है वो आसपास के जो सराउंडिंग टिश्यू हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हुए अंदर जाते हैं और उसको एक तरीके का डिस्टर्ब कर देते हैं और उससे मेलिग्नेंसी फॉर्म होती है उससे धीरे धीरे वो मेटास्टेसाइज करने लगते हैं अब अगर हम हलो ऑर्गन में बात करें तो इसमें एक्सोफाइटिक और एंडोफाइटिक ग्रोथ होता है एक्जोफाइटिक एक्सोफाइटिक ग्रोथ वो ल्यूमेन में होता है और एंडोफाइटिक ग्रोथ वो वॉल में होता है ये इंपॉर्टेंट है गाइस अगर आप स्पेसिमेंट्स देखेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होगा एक्सोफाइटिक एंडोफाइटिक के बारे में ओके okay? और अलॉन्ग विथ एक्सपेंसिव और इन्फिल्ट्रेटिव जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको ये इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपको कि ये पता होना चाहिए क्योंकि आपको हर सेमिस्टर में इसका इंपॉर्टेंस होगा ओके अब हिस्टोजेनेसिस देखें तो जो ट्यूमर होते हैं अगर उसके ट्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि एक तरीके का टिश्यू ओरिजिन होता है ओके इसमें सिर्फ टिश्यू ओरिजिन नहीं बोल सकते हम इसमें हम साइटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं मतलब कि सेलुलर ओरिजिन भी होता है ट्यूमर में ओके इसमें अगर उसका क्लासिफिकेशन देखें तो एपिथीलियल ट्यूमर होते हैं मेजनगैमल ट्यूमर्स होते हैं मेलिनियन मेलनिन फॉर्मिंग टिश्यू होते हैं ट्यूमर्स होते हैं नर्वस सिस्टम और मैनिजेस इसके भी ट्यूमर्स होते हैं हेमाटोपोटिक टिश्यू के भी ट्यूमर्स होते हैं टेलाटोमा ये सब है ओरिजिन ओके यहाँ से ट्यूमर्स फॉर्म होते हैं ओके okay? अब आते हैं टी क्लासिफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ट्यूमर कहाँ तक पहुँचा है कहाँ तक फैला हुआ है ट्यूमर की साइज़ क्या है उसका डेप्थ क्या है वो किस टिश्यू को किस ऑर्गेन को डैमेज कर चुका है टी का मतलब क्या होता है ट्यूमर ट्यूमर मतलब होता है कि जो साइज़ और जो टाइप होता है ये कौन सा टाइप का ट्यूमर है इससे हमें पता चलता है टी से इसमें टी वन टी टू टी थ्री रहा तो आपको उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि टी वन मतलब एक ट्यूमर हुआ टी टू मतलब दो ट्यूमर हुआ ऐसे पता चल सकते हैं एन का मतलब होता है कि ये ट्यूमर कहाँ तक पहुँचा है लिम्फ नोड तक पहुँच चुका है तो इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे एन वन एन टू इसके हिसाब से पॉइंट आउट कर पाएंगे एम का मतलब होता है कि ये आसपास के ऑर्गेन जो अदर ऑर्गेन जो एम मतलब मेटास्टेसाइज होता है कहाँ तक फैल चुका है एम वन मतलब कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक फैल चुका है एम जीरो का मतलब अगर आ जाए बाई चांस कोई भी एम जीरो आ गया मतलब ये एक तरीके का ट्यूमर फैला ही नहीं है ओके okay? ये बेनाइन बोल सकते हैं ओके okay? तो ये जो वैल्यू है इसको हम वन टू थ्री में इंडिकेट कर सकते हैं जैसे टी वन टू टी थ्री या एन वन टू एन थ्री या एम वन टू एम थ्री में इंक्लूड कर सकते हैं ये जीरो भी हो सकता है ओके सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टेंशन एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस प्लीज द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब चैनल थैंक यू सो मच गाइज